तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैड कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम क्रियो में ड्राफ्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो इसी के फेस पे हम ड्राफ्ट अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपने यहाँ पे ड्राफ्ट में चले जाना है। तो यहाँ पे आपको ड्राफ्ट में दो ऑप्शंस मिलेंगी, एक ड्राफ्ट की और एक वेरिएबल पुल डायरेक्शन ड्राफ्ट की। आपने यहाँ पे ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको रेफरेंस की ऑप्शन मिलेगी, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहली ऑप्शन जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है वो है ड्राफ्ट हिंज की। तो ड्राफ्ट हिंज में आपको वो सरफेस देना होता है जो कि न्यूट्रल रहेगा, यानी कि जहाँ से पकड़ के आप अपने फेस को ड्राफ्ट देना चाहते हो, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने टॉप फेस को यहाँ पे ड्राफ्ट हिंज दे दिया है और यहाँ पे आप एरो भी देख रहे होंगे। तो ये एरो जो है वो है हमारी पुल डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो पुल डायरेक्शन है उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे पिक कर ली है। तो ये एरो अप साइड या डाउन साइड, या इसे हम फ्लिप भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका क्या यूज़ है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पे ड्राफ्ट सरफेसेस वाली ऑप्शन में आ जाना है। तो ये रही वो ऑप्शन, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और जिस भी फेस को आप ड्राफ्ट देना चाहते हो वो वाला फेस सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला फेस जो है सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपसे वो एंगल पूछेगा। तो यहाँ पे आपने उसका जो इतना भी एंगल आप रखना चाहते हो ड्राफ्ट फेस का, तो वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 10 जो डिग्री है यहाँ पे ड्राफ्ट फेस जो एंगल दिया है, ड्राफ्ट एंगल दिया है, वो मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। इसके बाद ये जो ड्राफ्ट लगा है वो अंदर की तरफ लगा है, यानी कि इनवर्ड लगा है। इसे मुझे आउटवर्ड करने के लिए आपको ये जो एरो है इसको, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी होगी। तो यहाँ से आप फ्लिप करके इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करता हूँ, ये जो ड्राफ्ट है ये बाहर की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से आप इनवर्ड या आउटवर्ड जो है अपना ड्राफ्ट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टिक के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये तो हमने सीखा कि हम किस तरह से एक फेस पे ड्राफ्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मुझे मल्टीपल फेसेस पे ड्राफ्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने यहाँ पे दोबारा से एडिट में चले जाना है और यहाँ पे रेफरेंसेस में चले जाना है और रेफरेंसेस में आपने यहाँ पे ड्राफ्ट सरफेसेस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और कंट्रोल बटन दबा के आपने वो फेस सेलेक्ट करना जहाँ पे आप ड्राफ्ट अप्लाई करना चाहते हो। तो ये देखिए इसने दूसरी जो सरफेस है वो भी पिक कर ली है। इसी तरह से मैं बाकी की सरफेसेस भी कंट्रोल बटन दबा के सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये देखिए मेरी जो चारों साइड्स हैं वहाँ पे जो ड्राफ्ट है वो अप्लाई हो चुका हुआ है। ड्राफ्ट का जो एंगल है वो पहले जो हमने ड्राफ्ट एंगल दिया था वही रहेगा। तो ये देखिए हमारा जो ड्राफ्ट है वो सारे फेसेस पे अप्लाई हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको स्प्लिट ड्राफ्ट के बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना है। तो ड्राफ्ट पे क्लिक करते ही आपने यहाँ पे रेफरेंस में चले जाना है और यहाँ पे आपने ड्राफ्ट हिंज में सेंटर प्लेन दे देना है। तो यहाँ पे ये सेंटर प्लेन मैं देने लगा हूँ। देने के बाद आपके सामने ये जो पुल डायरेक्शन है वो भी आपको दिख जाएगी, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ड्राफ्ट सरफेस जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट सरफेस मैंने ये वाला फेस दे दिया है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे स्प्लिट में चले जाना है और यहाँ पे नो स्प्लिट की जगह पे क्लिक करके आपने स्प्लिट बाय ड्राफ्ट हिंज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये नीचे आपको ऑप्शंस दिख रही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस मिलेंगी। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट वाली सिलेक्ट कर लेनी है जो कि है ड्राफ्ट साइड्स इंडिपेंडेंटली। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपने जो ड्राफ्ट हिंज दिया था वो जो प्लेन आपने दिया था उसी प्लेन के ऊपर और उस प्लेन के नीचे जो फेस है वो डिवाइड हो जाएगा और आप उन फेसेस को अलग अलग ड्राफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ड्राफ्ट का जो एंगल है वो फिल कर सकते हो। तो ये जो फर्स्ट में आपने जो एंगल भरना है वो आपके फर्स्ट फेस के लिए है और जो आपने सेकंड में भरना है वो आपके सेकंड फेस के लिए है, यानी कि जो आपका फर्स्ट फेस और सेकंड फेस है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, इंडिपेंडेंटली उन पे ड्राफ्ट लगेगा। यानी कि आप फर्स्ट फेस पे कुछ और ड्राफ्ट लगा सकते हो, किसी और एंगल पे ड्राफ्ट लगा सकते हो और सेकंड फेस पे आप किसी और एंगल पे ड्राफ्ट लगा सकते हो। तो ये जो एरो की ऑप्शन है यहाँ पे आप इनसाइड या आउटसाइड ड्राफ्ट भी अप्लाई कर सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपने टिक के बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आपको दोबारा से यहाँ पे जाना पड़ेगा एडिट के ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपने एडिट पे क्लिक कर लेना है।
पे एडिट के ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते ही आपने यहाँ पे स्प्लिट में चले जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी स्प्लिट फर्स्ट साइड ओनली, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो अब आपका जो पुल डायरेक्शन का एरो है वो जिस साइड होगा उसी साइड को वो फर्स्ट साइड मानेगा। तो यहाँ पे एरो का जो डायरेक्शन है वो नीचे वाली साइड को है, तो इसलिए उसने नीचे वाली साइड को ही फर्स्ट साइड माना है। फर्स्ट साइड सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हमने जितना भी एंगल फिल करना है वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। ड्राफ्ट इनसाइड रखना है कि आउटसाइड रखना है उसके लिए आपको यहाँ पे एरो की ऑप्शन दी गई है, आप वहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो इसी के अंदर ही आपको दूसरी ऑप्शन मिलेगी ड्राफ्ट सेकेंड साइड ओनली। तो ये भी सेम फर्स्ट साइड के जैसा ही है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि एरो की डायरेक्शन जिस साइड नहीं होगी वो आपकी सेकेंड साइड होगी, तो उसके बीच में जितना भी आप एंगल वगैरह रखना चाहते हो वो वहीं पे ही फिल होगा। आप फिल करके उसकी इनसाइड या आउटसाइड जो भी ड्राफ्ट रखना चाहते हो वो वहाँ पे रख सकते हो और सीधा टिक के बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ड्राफ्ट के ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्राफ्ट कमांड सेलेक्ट कर ली है, सेम उसी तरह से मैंने ड्राफ्ट हिंज जो है वो सेंटर प्लेन को दे दिया है। तो चलिए मैं जल्दी से सेंटर प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेंटर प्लेन सेलेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा जूम करना होगा, करने के बाद आप ऐसे सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपकी ऑटोमेटिक पुल डायरेक्शन भी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने जिस भी फेस पे ड्राफ्ट लगाना है वो फेस सेलेक्ट कर लेना है ड्राफ्ट सर्फेसिस पे जाके। तो यहाँ पे मैंने ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे स्प्लिट की ऑप्शन में आ जाना है। तो जैसे ही आप स्प्लिट की ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी स्प्लिट बाय स्प्लिट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने डिफाइन की ऑप्शन आपको दिखेगी यहाँ पे नीचे स्प्लिट ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आपने डिफाइन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप डिफाइन पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे इसका फेस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे स्केच की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप स्केच की ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे इसे नॉर्मल टू कर लेना है। तो ये बटन से आप नॉर्मल टू कर लोगे। यहाँ पे आपने स्प्लिट ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाना है जहाँ से आप स्प्लिट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसी लाइन के अलॉन्ग मैं इस ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करूंगा। करने के बाद आपने एस्केप बटन प्रेस कर देना है, यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है स्प्लिट हो चुका हुआ है। तो अब आप इसके स्प्लिट फेसेस को अलग अलग एंगल पे ड्राफ्ट कर सकते हो। तो वो जो एंगल आपने फिल करना है उसके लिए आपको ऊपर ऑप्शन दी गई है, आप दोनों फेसेस पे अलग अलग एंगल फिल कर सकते हो और एरो के बटन को प्रेस करके आप इनवर्ड या आउटवर्ड ड्राफ्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एंगल फिल कर लिया है। इसी तरह से आपने सेकंड साइड का एंगल भी फिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड साइड का भी एंगल फिल कर लिया है। तो अब यहाँ पे एरो के बटन से आप इसके जो ड्राफ्ट है वो इनसाइड या आउटसाइड रख सकते हो। इसके बाद आपने टिक के बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।